मेडिसिन इज माय प्रोफेशन एंड टीचिंग इज द पैशन। topgrade.tk की तरफ से मैं आपको स्पेशल टिप्स देने लगा हूं कि आपने जिन जिस जिनको यूज करते हो आपने अपनी इसके अंदर एमडी में सक्सेस को अचीव करना राइट। तो स्पेशल अच्छा ये जो टिप्स हैं आई एम हियर टू टेल यू ये टिप्स हैं फॉर सक्सेस इन लाइफ इन स्पेसिफिक राइट इन जनरल सॉरी फॉर सक्सेस इन लाइफ इन जनरल एंड फॉर सक्सेस इन एमडी कैट इन स्पेसिफिक राइट। तो इसमें अब हम टिप्स के ऊपर चलते हैं। सबसे पहली जो बड़ी टिप है वो ये है कि यू शुड हैव पैशन। ठीक है, एग्जाम को लेके आपको बहुत ज्यादा पैशनेट होना चाहिए राइट। इसके ऊपर ये स्टीव जॉब्स वन ऑफ माय फेवरेट एंटरप्रेन्योर्स उसकी ये कोट है यू सीन हियर यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पैशन फॉर व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज इट इज सो हार्ड दैट इफ यू डोंट एनी रैशनल पर्सन वुड गिव अप। ठीक है, तो अगर आप रैशनल पर्सन हैं अगर आपके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैशन नहीं है आप रैशनली सोचेंगे यार 70,000 लोग हैं सिर्फ 3500 सिलेक्ट होने हैं तो देयर इज अ गुड चांस कि आप गिव अप कर जाएंगे एंड जब आप गिव अप कर देते हैं तो आपकी हार जो है वो यकीनी हो जाती है। सो अगर आप अपने काम को लेके पैशनेट हैं ऑफ कोर्स या अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन को लेके पैशनेट हैं तो फिर आप कभी भी मुश्किल सर्कमस्टांसिस से टफ कंपटीशन से आप कभी भी डिसहार्ट नहीं होंगे आप कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। याद रखना डील करने की अपनी किताब के अंदर लिखता है कि दुनिया की कोई भी जो बड़ी मुहिम है वो जोश और वलवले के बगैर सर नहीं की जा सकती। तो ये जो एमडी कैट है ये आपकी जिंदगी के अहम तरीन इम्तिहानों में से एक इम्तिहान है राइट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। इससे पहले और इसके बाद शायद इतना इंपॉर्टेंट जो कह लें कि लाइफ चेंजिंग एग्जाम आपके लाइफ में नहीं आना। सो यू शुड बी वेरी मच पैशनेट अबाउट दिस एग्जाम। और उसके बाद फिर सेकंड टिप है प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ये बॉदर करते रहते हैं कि टेस्ट आसान आएगा या मुश्किल आएगा, मुश्किल आया तो पता नहीं क्या होगा, आसान आएगा पता नहीं क्या होगा राइट। यू सीन हियर जनरल सा एक प्रिंसिपल आपने फॉलो करना है। देखिए टेस्ट आसान आए या मुश्किल आए वो सबको सेम आना है और जो बेटर स्टूडेंट्स होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि टेस्ट आसान है या मुश्किल है जो बेटर स्टूडेंट्स परफॉर्म करेंगे उन्होंने एक्सेल करना है। तो आपका रूल ये होना चाहिए आप इस तरीके से तैयारी करें कि हिस्ट्री का मुश्किल तरीन पेपर आना एमडी कैट और उम्मीद ये रखें कि इंशाल्लाह जो पेपर आएगा वो आसान तरीन होगा आपके लिए और आप उसको बहुत आसानी के साथ अटेम्प्ट कर लेंगे। सो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट ये सेकेंड टिप है। और थर्ड जो बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है दैट इज बी द थिंकर एंड द डूअर एट द सेम टाइम। आपने थिंकर एंड डूअर एट सेम टाइम बनना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो जस्ट थिंकर्स होते हैं प्लान बनाते रहेंगे अच्छा मैं इस तरीके से स्केड्यूल बना लूं ये स्टडी कर लूं इस बुक से प्रैक्टिस कर लूं दिस दैट वो दे कीप ऑन थिंकिंग न्यू थिंग्स बट दे डोंट हैव डिसिप्लिन टू इंप्लीमेंट दोज थॉट्स राइट। और दूसरे नंबर पे अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि ऑल द टाइम जस्ट डूइंग पे फोकस करते रहते हैं दे आर जस्ट द डूअर्स राइट दे कीप ऑन डूइंग थिंग्स राइट विदाउट थिंकिंग इवन। ठीक है वो बस किसी भी साइड से उठा के दिल किया किताब पढ़ ली दिल किया तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली टेस्ट दे दिया ना दिया कोई इनके पास पक्की स्ट्रेटजी नहीं होनी। तो जो ऐसे स्टूडेंट्स जो के कहने के सारे एग्जाम्स में कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करते हैं वो थिंकर और डूअर होते हैं एट द सेम टाइम। दे आर थिंकर्स एंड द डूअर्स एट द सेम टाइम राइट। वो सोचते हैं प्लान करते हैं उसके मुताबिक एक्ट अपॉन करते हैं और जो अमल दरामद करते हैं उसके ऊपर फिर सोचते हैं कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। इस तरह से ग्रेजुअली तो अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। सो इसी तरह से एमडी कैट की तैयारी को लेके भी आपने सोचना भी और करना भी ठीक है ऑन ये दोनों चीजों का पेयर पक्का होना चाहिए। यू हैव टू बी द थिंकर एंड द डूअर एट द सेम टाइम। करें सोचें फिर करें फिर सोचें और इस तरह से आप सर्कुलर फैशन में मूव करते जाएंगे और अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास टिप है टिप नंबर 4 हैव एनर्जी। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया एक पैशन आपके पास होना चाहिए। जब मैं देखता हूँ यंग इंडिविजुअल्स होते हैं लाइक 17-18 इयर्स एज है और उनका जो उठना बैठना ऐसे होता है जैसे 80 साल के बाबे होते हैं राइट। तो भाई आपकी आंखों के अंदर एक स्पार्क नजर आना चाहिए आपके अंदर एनर्जी नजर आनी चाहिए। अगर आप आजकल एनर्जेटिक हैं आपका उठ के पढ़ने को दिल करता है आप लाइक तो इसका मतलब यह है कि आप एग्जाम के लिए भी अच्छी तैयारी कर पाएंगे। अगर आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है राइट जितनी मर्जी आपकी अच्छी प्लानिंग हो अगर आप इंटरनली पैशनेट भी हैं लेकिन आप एनर्जी के साथ आप करने काम को करने की करेज नहीं रखते ऑफ कोर्स योर स्कोर विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। सो हैविंग एनर्जी इज इंपॉर्टेंट। और उसके बाद फिर
जो फिफ्थ जो टिप है ऑफ कोर्स दिस इज वर्क हार्ड राइट। तो इसके लिए इस हद तक आपने मेहनत करनी है कि आपने बाकी सब लोगों से डिफरेंस क्रिएट करना है। कहते हैं कि सिर्फ एक चीज है जो कि लक को बीट कर सकती है, देयर इज नथिंग व्हिच कैन बीट लक, बट देयर इज वन थिंग दैट कैन बीट लक एंड दैट इज द हार्ड वर्क। ठीक है, तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको एग्जांपल दी थी उसकी मोहम्मद अली बॉक्सर की, कि उससे किसी ने पूछा था कि हाउ मेनी पुशअप्स यू डू एवरी डे, उसने कहा था कि आई डोंट काउंट, आई स्टार्ट काउंटिंग व्हेन इट स्टार्ट्स हर्टिंग। तो जब आपकी बस हो जाए ना पढ़ पढ़ के, उसके बाद आप जो पढ़ेंगे आप ये समझेंगे कि उसने बाकियों से डिफरेंस क्रिएट करना है राइट। सो जब आपकी, वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ, एमडी कैट के लिए पढ़ पढ़ के जब आपकी बस हो जाएगी, उसके बाद आप जो पढ़ेंगे उसने आपका बाकियों से स्कोर कर मेजर डिफरेंस जो है ये क्रिएट करना है। सो हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है। सो हार्ड वर्क इज नॉट अबाउट द ओनली द हार्ड वर्क। सो हार्ड वर्क हमेशा एट द टॉप ऑफ द स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क तो करना ही करना है, तभी तो मैं आपको सारी टिप्स दे रहा हूँ कि आपने स्मार्ट वे में काम करना है। सो स्मार्ट वर्क और उसके टॉप पे हार्ड वर्क, ये कामयाबी की कुंजी है ऑन दी एमडी कैट। सो यू सीन है, ये बड़े जबरदस्त ये एक लाइन भी है आपसे शेयर करना चाहता हूँ मैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल साइन ऑफ स्माइल इज द वन दैट स्ट्रगल्स थ्रू द टियर्स। सबसे खूबसूरत जो मुस्कुराहट होती है वो कौन सी होती है जो कि आंसुओं के अंदर से निकलती है। रोते रोते आपने कभी देखा किसी को, वो रोते रोते बंदा एकदम हंसने लग जाए, तो उस स्माइल की जो खूबसूरती होती है वो रूटीन स्माइल की नहीं होती। तो सेम आइडिया यहाँ पे भी है कि इस सारे रगड़े के बाद जो इंशाल्लाह आप एज सक्सेसफुल सिटीजन इमर्ज होंगे, तो उसकी जो ब्यूटी है वो अगर आपको ला के कोई कामयाबी आपके गले में डाल दे या आपके पैरों में रख दे, भाई ये लो ये तुम्हारी सक्सेस हमारे पास पड़ी रही है, उसका वो मजा नहीं राइट। सो आपने आपने अपनी एफर्ट के जरिए सक्सेस जो है वो अचीव करनी। बर्नार्ड शॉ कहता है कि मैं जिंदगी में कभी भी नहीं चाहता कि जो कुछ मैं लाइफ में हासिल करना चाहता हूँ मुझे एकदम से सब कुछ मिल जाए। वो कहता है कि इससे तो मेरी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो जाएगा। वो कहता है मैं ये चाहता हूँ कि हमेशा मेरी मंजिल आगे हो, उसके लिए मैं फाइट करता हूँ, इसी का नाम जिंदगी है। आपने इंशाल्लाह ये एक मंजिल आपके लिए एमडी कैट टेस्ट में अपीयर होना है, इसमें स्कोर करना है, एडमिशन लेना है, फिर उसके बाद आके लाइफ की और मंजिलें आती चली जाएंगी। तो ये आपने एक जबरदस्त किस्म का अपना एक एटीट्यूड बनाना है टू स्ट्राइव कंटिन्यूअसली इन योर लाइफ। तो आपने वर्क लाइफ बैलेंस भी ऑफ कोर्स मेंटेन करना है, लेकिन कंटिन्यूअसली स्ट्राइव करके हमेशा आपने अपने लिए नए से नए होराइजन को करते रहने हैं। और मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में मैं अपीयर हुआ हूँ, खुद मैंने अलामा मेडिकल कॉलेज से क्वालिफाई किया है, इसके अलावा मैंने आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन स्कोर किया था, नर्स में मेरा 69 मेरा टोटल था, और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम मैंने पोजीशंस विन की है, दिस इज समथिंग आई एम गुड एट। और उसके बाद इवन मेडिकल कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म वेल, उसके बाद भी कई सारे मैंने वेंचर स्टार्ट किए काम को लेके, एंड ऑल द वे आई वॉज सक्सेसफुल। तो एक जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो मेरी लाइफ का लेसन है, वो ये है कि जब भी आप कभी एफर्ट करते हैं ना, उसका आपको फ्रूट मिलता है। अल्लाह ताला की जात जो है वो आपकी मेहनत का फल, आपकी मेहनत का समर नहीं रखती राइट। सो आप लोगों ने एफर्ट करनी है और जी जान से एफर्ट करनी है इंशाल्लाह। ऑल राइट, उसके बाद फिर नेक्स्ट आप देखें, टिप नंबर 6 है प्लान वाइजली। आपने बहुत ही अक्लमंदी के साथ प्लानिंग करनी है राइट। सो आपने प्लानिंग करनी है बहुत अक्लमंदी के साथ करनी है। यू सीन हियर कि इसके अंदर आप जैसे, अच्छा ये जो है ना, ये बेसिकली स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है टॉप ग्रेड के क्वेश्चन बैंक से। अब इसके अंदर देखिए, यहाँ पे मैंने पास क्वेश्चंस पे क्लिक किया हुआ है, और उसके बाद आप देखें ये इस स्क्रीन पे मुझे नजर आ रहा है कि एग्जाम ने पिछले सालों में कहाँ कहाँ पे ज्यादा फोकस किया। जैसे देखिए आप, न्यूक्लियर फिजिक्स में से 32 क्वेश्चन आए, मॉडर्न फिजिक्स में से 20 क्वेश्चन आए हैं राइट, ऑसिलेशंस वाले यूनिट में से 20 क्वेश्चन आए हैं, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में 17 आए हैं, बाकी जो देखिए कहीं से 3 भी आए, 9 भी आए हैं। ये देखिए जस्ट वन क्लिक जो है ये आपको पिछले 10 साल की हिस्ट्री बता रहा है राइट। सो आप ये कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए का ये क्लिक है, 10 साल की एग्जाम हिस्ट्री आपको इस सब्जेक्ट की बता रहा है। तो वाइज प्लानिंग क्या होगी कि यहां से देखें, इस क्लिक से आपको पता चल रहा है एग्जाम के मोर लाइकली टू बी टेस्टेड एरियाज कौन से हैं, एग्जाम के जो ज्यादा अहम एरियाज हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन से हैं, एग्जाम ने प्रीवियस ईयर्स में किन चीजों पे ज्यादा फोकस किया। देखें एग्जाम के ट्रेंड्स होते हैं, तो एमडी कैट के कुछ स्पेसिफिक ट्रेंड्स हैं, हर साल वही ट्रेंड्स रिपीट होते हैं, जिन टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हर साल उन्हीं में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिन टॉपिक में से क्वेश्चन कम आते हैं या नहीं आते हर साल उनमें से कम या नहीं क्वेश्चन आते राइट।
तो आपने वाइजली प्लान करना है। तो पहले बच्चों के पास बहुत बड़ा मसला था कि उनको समझ नहीं आती थी हम एग्जाम को कैसे एंटिसिपेट करें या एग्जाम के ट्रेंड्स को हम कैसे पकड़े। इसके लिए फिर मैंने ये वाला टूल डिवाइस किया कि बच्चों को पास क्वेश्चंस सारे के सारे वन क्लिक पे दे देते हैं, इससे खुद ब खुद बच्चे फोकस कर जाएंगे। यस, दिस इज वेयर द एग्जाम इज फोकसिंग। सो आपने पढ़ना सब कुछ है। आई एम नॉट सेइंग यू शुड डू द सिलेक्टिव स्टडी, यू हैव टू स्टडी एवरी डैम सिंगल थिंग, बट your more focus should be on most likely to be tested areas. आपने ज्यादा वहां पे focus रखना है अपना जहां से इम्तिहान में पेपर ज्यादा आता है। लाइक अगर फिजियोलॉजी का फर्ज करें, छोटा सा सेक्शन है बायोलॉजी के अंदर, आप उसको एक्स्ट्रॉर्डिनरी वे में प्रिपेयर करें, उसके सारे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करें, क्योंकि उसके अगर फर्ज करें तीन चार पेजेस हैं तो उन्हीं में से मुश्किल तीन क्वेश्चन एग्जामिनर कई दफा कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है और उन्हीं में से बार बार क्वेश्चन आ रहे होंगे, राइट। तो इसके मुकाबले में कई दफा बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं लेकिन एग्जाम उसके ऊपर फोकस नहीं करता और उनके ऊपर आपने उस तरह से एफर्ट नहीं लगानी। सो आपने ज्यादा एफर्ट वहां पे लगानी है जहां से इम्तिहान में पोर्शन ज्यादा आना है। अब हमारा मीटिंग टाइम जो है खत्म होने वाला है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट मीटिंग के अंदर मैं ये टाइम अपना एक्सटेंडेड टाइम ले लूं, लेकिन आज के लिए थोड़ी सी इनकन्वीनियंस आपके पार्ट पे आएगी। ये मीटिंग जब एंड होगी तो आप लोगों ने दोबारा मीटिंग को सेम लिंक को यूज करके ज्वाइन कर लेना। हम यहीं से अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अगले 30-35 मिनट में बहुत सारी काम की बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, यू विल एंजॉय मोर। सो ये जो आखिरी सेक्शन है मेरे लेक्चर का, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं बड़ा क्लियर लाइन ऑफ एक्शन आपको देने वाला हूँ कि किस तरीके से आपने टॉपिक बाय टॉपिक चलना है। तो बड़ी वो की इनसाइट है, की अंडरस्टैंडिंग है, इसको मिस ना कीजिएगा। दोबारा मैं इस मीटिंग को एंड करता हूँ, आप लोग इस मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। सक्सेस की वो क्या है? वन बेस्ट डेफिनेशन सक्सेस की ये है कि सक्सेस इज अ जर्नी फ्रॉम वन फेलियर टू द अदर फेलियर। एक नाकामी से लेके दूसरी नाकामी तक जो वो ये जो ट्रेवल है इसको हम कहते हैं ये सक्सेस है, राइट। सो यू आर नेवर सपोज्ड टू गिव अप इन एनी सर्कमस्टेंसेस, राइट। दुनिया उन्हीं की है जो मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात के अंदर भी वो अपनी हिम्मत बांध के रखते हैं, अपनी हिम्मत बनाए रखते हैं और वो आगे बढ़ना जानते हैं, right? So success is a journey from one failure to the other failure. बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि failure नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ temporary setbacks होते हैं, temporary setbacks होते हैं। और याद रखना कि इंसान की जीत इंसान को नहीं सिखाती, इंसान की हार इंसान को सिखाती, right? So if you lose, don't lose the lesson. अगर आप हारे हैं, आपने उस हार से सबक सीख लिया है, उस सबक को यूज करके you will win again, right? So ना तो कामयाबी मुस्तकिल है ना नाकामी मुस्तकिल है, राइट। सो ये दोनों चीजें आरजी हैं। सो ओवरऑल आप इस चीज को जहन में रखें कि जब आप कामयाब हैं आपको बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं होना चाहिए, उस वक्त आपने कंट्रोल रखना है खुद के ऊपर कि खुदा ना खासा आप नाकामी के मुंह में जा सकते हैं। और अगर खुदा ना खासा आपको नाकामी देखनी पड़ती है, इट्स ऑल्सो नॉट गोइंग टू लास्ट फॉरएवर, राइट। ये नाकामी आपकी कामयाबी के अंदर तब्दील भी हो सकती है। बल्कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पीपल हैं वो मैंने ये देखा कि वो बहुत सारे फेलियर्स को फेस करके आए हुए होते हैं। मैं ये अक्सर ये बात अपने स्टूडेंट को कहा करता हूँ कि बेटा जो आइडियल कंडीशंस हैं ये आइडियल इंसान पैदा नहीं करते। जो आइडियल इंसान है, जो बेहतरीन इंसान है, वो मुश्किल तरीन हालात के अंदर पैदा होते हैं। तो इफ यू आर फेसिंग फेलियर्स, इफ यू आर गेटिंग अपसेट ड्यू टू एनी रीजन, नेवर एवर इवन थिंक टू गिव अप, राइट। आपने अपनी हिम्मत को बनाए रखना है, इंशाल्लाह यू विल मैनेज टू बी सक्सेसफुल समडे, राइट। ओके, सो ये टिप नंबर 7 थी। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं टिप नंबर 8, कंसंट्रेट ऑन द थिंग्स यू कैन डू। अब एक बच्चों का बहुत बड़ा मसला ये होता है कि वो क्या करते हैं, वो उन चीजों के बारे में पिन पॉइंट करते रहेंगे जिनके बारे में वो कुछ कर नहीं सकते। ये फलां टीचर ठीक नहीं पढ़ा रहा, काश कोरोना ना होता, हम अकेडमी में जाके पढ़ते तो हमारी ज्यादा अच्छी तैयारी होती, राइट। या काश ये चीज जो है वो हमें इस तरीके से करा दी जाए, काश टॉप ग्रेड हमारे लिए ये भी कर दे, एंड सो ऑन, राइट। सो वो क्या करते हैं, अपना बहुत सारा टाइम जो है वो कंप्लेनिंग पे और उन चीजों पे कंसंट्रेट करने पे लगाते हैं जिनके बारे में वो कुछ कर नहीं सकते। भाई आपके बस में जो चीजें हैं बस आप उनके ऊपर फोकस रखें, राइट। सो कंसंट्रेट ऑन द थिंग्स दैट यू कैन डू, डोंट कंसंट्रेट ऑन द थिंग्स और फोकस ऑन द थिंग्स व्हिच यू कांट डू एनीथिंग अबाउट, राइट। उन वो चीजें जिनके बारे में आप कुछ कर ही नहीं सकते, उनके बारे में हर वक्त सोच सोच के आप अपने टाइम को ओवरऑल वेस्ट कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो वैसे भी लाइक फौजी का काम क्या है, आपकी मिसाल ऐसी है जैसे बॉर्डर पे फौजी है, राइट। तो जो भी हथियार उसके हाथ में दे दिया गया है या वो खाली हाथ भी है, वो समहाउ ही हैज टू फाइट विद द सर्कमस्टेंसेस ही इज हैविंग, राइट। अब वो वहां पे बैठ के ये सोचे जी मेरे पास अमेरिकन साख की फ्लां वाली गन होती थी, यहाँ पे मैंने ऐसे कर देना था, दिस इज नॉट फेयर,
ये वॉर में ऐसा नहीं होता, राइट? तो इसके अंदर भी सीन है, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द थिंग्स यू कैन डू। आपके इर्द गिर्द जो रोशन चीजें हैं आप उनको देखें, उसके ऊपर फोकस करें, और जो आपके आपके पास जो असबाब हैं उनको ब्रुए कार लाते हुए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सक्सेस की तरफ खुद को लेके जाएंगे। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, कंसंट्रेट ऑन द थिंग्स दैट यू कैन डू एंड डोंट बॉदर अबाउट द थिंग्स विच यू कैन नॉट डू, राइट? कैन नॉट। ओके, अब नेक्स्ट हम टिप पे चलते हैं जी। नेक्स्ट टिप है हमारे पास, मेक एवरी मिनट काउंट, राइट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी जिंदगी का हर लम्हा भरपूर बनाना है। मैंने ये देखा है अपने एक्सपीरियंस के साथ कि जो स्टूडेंट्स का 50-60% जो वेस्टेज ऑफ टाइम है उसमें कहते हैं नॉन सेंस वेस्ट ऑफ टाइम। वॉट इज नॉन सेंस वेस्ट ऑफ टाइम? कि देखें, एज स्टूडेंट आपका काम क्या है, या आप लोग पढ़ें, या आप लोग एंजॉय करें, या आप लोग सोएं या खाएं पिएं, तो यही काम है ना आपका, पढ़ें या एंजॉय करें या सोएं या खाएं पिएं, यही काम है आपका। लेकिन बहुत सारा टाइम आप गौर करना मेरी बात के ऊपर, जस्ट थिंक फॉर अ व्हाइल, राइट? गौर करना कि कितना सारा टाइम आपका ऐसा होता है जिसमें आप लोग ना पढ़ रहे होते हैं, ना सो रहे होते हैं, ना एंजॉय कर रहे होते हैं, ना कुछ कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं ये आपको भी पता, राइट? तो इसमें जैसे मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि जी रिमोट पकड़ा है, बैठ के आधा घंटा बस जस्ट चैनल चेंज करते रहे, उसके बाद रिमोट उठा के मारा है, उठ के चले गए। रोज अपने जो ड्रेसेस हैं वो जनाब वो बोर होके अपने ड्रेसेस ट्राई कर करके देखने शुरू कर देंगे, डस्टबिन के अंदर देखना शुरू कर देते हैं, बच्चे जी कल मैंने इसके अंदर क्या फेंका, तो काम की चीज तो नहीं फेंक दी थी। अपनी मार्कर्स को नए सिरे से अरेंज करना शुरू कर दे, भाई ये सारा नॉन सेंस वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? कोई भी फ्रेंड आता है किसी भी टाइम वॉक इन करता है, आप अपने बड़े पढ़ने के मोड के अंदर बैठे हुए हो, तो कोई आता है वो आके जनाब आपके भले 6 घंटे ले जाए, यू नेवर केयर अबाउट दैट थिंग, यू लेट एनीवन टू इंटरफेयर विद योर स्टडी टाइम, वेरी इजी, राइट? यू हैव टू मेक एवरी सिंगल मिनट काउंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अपने हर लम्हे को एक्स्ट्रॉर्डिनरीली यूजफुल बनाना है, मेक एवरी सिंगल मिनट काउंट। और इसका जो सबसे अच्छा तरीकाकार है वो क्या है, इसके लिए कुछ टिप्स हैं टाइम को अच्छा मैनेज करने के हवाले से। बहुत सारे बच्चे मुझसे आजकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि सर स्केड्यूल हम कैसे करें अपनी चीजों को, तो उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि कुछ बेसिक सी टिप्स हैं इसके टिप्स के हवाले से। इससे पहले मैं आपको टिप्स दूं, मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। ये स्टोरी है एक ऐसे बच्चे की, लाइक जिसका जो फादर है वो एक किसान था, किसान भी नहीं था बल्कि वो एक मजारा था किसान के पास, वर्कर था, लेबरर था। और तो इस वो हमारे सीनियर थे, हाफिज इमरान नाम है उनका, करंटली ही इज वर्किंग इन यूएसए। तो जो हाफिज इमरान भाई थे, एक दिन मैं अपने जो रेडियोलॉजी के प्रोफेसर थे आरएफ जैदी साहब, मैं उनके ऑफिस में गया इन जिना हॉस्पिटल, तो उनके चेयर की बैक वॉल पे उस लड़के की तस्वीर लगी हुई है, और राइट साइड पे उसके फादर है जिन्होंने तहमत बांधी हुई है और सर पे पगड़ी बांधी हुई है, और लेफ्ट साइड पे उसकी मदर है, तो जिन्होंने बड़ा सस्ता कपड़ा होता है टवीरे का दुपट्टा लिया हुआ है, राइट? और लाइक बिल्कुल जैसे टिपिकल देहाती औरत होती है इस तरीके से वो बेचारी खड़ी हुई। तो अब मैं एकदम से हुआ, यार ये कौन है बंदा जिसकी तस्वीर जो है वो प्रोफेसर ने, रेडियोलॉजी के प्रोफेसर ने अपने ऑफिस के अंदर इस तरह से लगाई गई। तो पता ये चला कि वो स्टूडेंट था। सोचे उस स्टूडेंट के बारे में, वो कितना जबरदस्त होगा कि जिसकी तस्वीर को प्रोफेसर या उसका जो उस्ताद है वो अपने कमरे के अंदर आवेदन कर ले, राइट? उनकी हाफिज इमरान भाई की खास बात क्या थी, तो उनको फिर ऑब्जर्व किया, बाद में उनके साथ दोस्ती भी हुई, उनके साथ बहुत सारी डिस्कशंस भी हुई, स्पेंड सिग्निफिकेंट टाइम विद हिम। तो इमरान भाई की उनकी आदत थी कि लाइक वो उनकी आदत थी कि वो सुबह तहज्जुद के टाइम पे उठते थे, उठ के वो लाइक उठ के नमाज वगैरह पढ़ के वो स्ट्रेट वे पढ़ना स्टार्ट कर देते थे, फिर 7 बजे तक वो पढ़ते थे दरमियान में फजर अदा करके, और उसके बाद फिर वो अपना नाश्ता वगैरह करते थे, और उसके बाद वो कॉलेज में चले जाना, कॉलेज में जाकर उन्होंने सारा क्लासेस भी बंक करनी, एंजॉय करना, लाइक हर तरह की वो शरारतें करते थे, हर तरह की एक्टिविटीज के अंदर भी हिस्सा लेते थे, लेकिन उसके बाद फिर शाम में भी आकर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते रहते थे। लेकिन ये था कि वो जब सुबह तहज्जुद के टाइम पे उठते थे, बाकी लोगों का डे स्टार्ट होने से पहले या उनके वो अपने उस दिन के काम सारे खत्म कर लेते, और उनके लाइक ही वॉज हैविंग 8 गोल्ड मेडल्स एंड 6-7 सिल्वर मेडल्स उन्होंने जो एमबीबीएस से लिए थे वहां, राइट? तो बेसिकली उन्होंने अपनी हैबिट्स जो बड़ी अच्छी अडॉप्ट की हुई, और एग्जाम के पास जाकर उनकी ये सिचुएशन होती थी, जैसे कल उनका फाइनल ईयर का एग्जाम था, तो आज के दिन बैठे आराम से जनाब पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच देख रहे, भाई कल मेडिसिन का एग्जाम है, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी स्टडी को इतना अच्छा मैनेज किया हुआ था कि उन्हें एग्जाम से एक दिन पहले को खातर खा पढ़ने की जरूरत लंबी चौड़ी पेश नहीं आती थी।
सेम मैं यहाँ पे आपको कहूंगा कि आप लोगों ने अपनी तैयारी को अभी से इस तरीके से मैनेज करना है, एग्जाम से एक दिन पहले, हफ्ता पहले आप पढ़ाई छोड़ भी दें फिर भी आपके पूरे नंबर आए, और ये तभी होगा अगर आप ऐसा सोचेंगे, इस सोच के मुताबिक तैयारी करें। तो मोटी मोटी टिप्स कौन सी हैं अच्छा टाइम मैनेज करने के लिए, सुबह जल्दी उठें और उठते साथ ही मुश्किल तरीन चीजों को टैकल करें, जो आपके मुश्किल तरीन सब्जेक्ट्स आपको लगते हैं आप सबसे पहले उनको हार्ड, और उसके बाद फिर अपने पूरा का पूरा स्केड्यूल जो है वो आवर टू आवर स्केड्यूल बना लें। एक कोशिश करें कि रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले अगले पूरे दिन का उठने से लेकर सोने तक स्केड्यूल घंटे वाइज बना लें, उसके अंदर अपनी स्टडी, खाना पीना, पढ़ना लिखना, फैमिली टाइम, राइट, उस सारे के सारा, फ्रेंड्स का टाइम सारा उसके अंदर मैनेज करें। आपका जो सारे के सारा टाइम है ये प्रॉपरली वेल मैनेज्ड टाइम होना चाहिए, राइट। सो यू हैव टू मेक एवरी सिंगल मिनट काउंट। तो या तो आप पढ़ें या एंजॉय करें या सोएं, लेकिन बिला वजह टाइम को वेस्ट ना करें, आपकी जिंदगी भरपूर होनी चाहिए। तो आप देखना इस उसूल के ऊपर अगर आप काम करोगे तो जिंदगी में आप देखना बाय लीप्स एंड बाउंड्स आप आगे बढ़ोगे, राइट। सो इस उसूल पे मैंने अमल दरामद किया है और इसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया है इन कंपेयरिंग विद द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क्स ऑफ माय लाइफ। पर नेक्स्ट अगर हम देखें, टिप नंबर 10 है मेंटेन अ सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मैनेज टू लाफ अवे द वरीज ऑफ लाइफ। बहुत सारे बच्चे, छोटी सी परेशानी आ गई ना, सारा साधन बेटे रोते रहे और जी मैं परेशान हूँ, ये हो गया वो, भाई यू हैव टू मेंटेन अ सेंस ऑफ ह्यूमर। जिंदगी जो है ये लाइक योर पेन है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, रूटीन पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। तो आपने ये सीखना है कि आपने जिंदगी की परेशानियों के साथ लड़ना कैसे है या उनको हंस के कैसे फेस करना है। अभी रिसेंटली बड़ा एक वो हॉट टॉपिक है सोशल मीडिया के ऊपर, सुशांत ने सुसाइड कर ली, ही डिड नॉट लर्न टू लाफ अवे द वरीज ऑफ लाइफ, he did not learn to face the failures, he did not learn to fight with the failures. to bhai nakamiyon ne hi bahut sari chhot nakamiyon ke jab aap lessons seekhte jate hain to dher sari nakamiyan wo unke lessons mila ke bahut badi success banate hain, right. to ye cheez aap log apne dimag mein bitha le, if you lose don't lose the lesson, jaise maine pehle bhi zikr kiya, and maintain a sense of humor, manage to laugh away the worries of life. jitni marzi badi pareshani ho, अल्टीमेटली आप लोगों ने अपने आप को इस तरह से ट्रेन करना है कि इंशाल्लाह इस टाइम से भी हम लोग गुजर जाएंगे। आपने उस वक्त सब्र और तहमुल का दामन नहीं छोड़ना, दिस इज वेरी वेरी राइट। और स्टूडेंट्स हैं वेटिंग रूम में, फाइन। तो ये थी टिप नंबर 10। अब नेक्स्ट है जी टिप नंबर 11, यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू हैव टू बिलीव इन योर एबिलिटीज, यू हैव टू बिलीव इन गॉड के वो आपकी मेहनत नहीं रखेगा। सो जो बिलीव है, जो कहने के ये एक तरह का ये जो ईमान है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद फिर टिप नंबर 12 जो है, ये लास्ट टिप है आज की जो मैं आपको देने लगा हूँ, आई वुड से ट्रस्ट अस, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट topgrid.pk। मैं ये नहीं कहता कि जी जो हम डिलीवर कर रहे हैं ये ऐसा है कि बस कोई और दुनिया में आपको डिलीवर नहीं कर सकता हम, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि हमारी जितनी भी एफर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा सिंसियर एफर्ट्स हैं, राइट। हम बहुत ज्यादा सिंसियरली हम ये चाहते हैं कि आप लोग सक्सेसफुल हो। आई स्वेयर टू गॉड, अगर अगर कभी ऐसा हो कि जो हम ये काम कर रहे हैं अगर ये स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है, आई वुड रादर लाइक टू शट डाउन दिस होल प्रोसेस, राइट। सो अल्टीमेटली हमारे दिमाग में जो चीज है कि आपकी जो कामयाबी है वही हमारी कामयाबी है, तो आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करें और ट्रस्ट भी पूरा करें। ये नहीं है कि कुछ मैटर्स में हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं कुछ मैटर्स में नहीं करते, आप हमारे पे पूरा ट्रस्ट करें। जो हम आपको मेथोडोलॉजी दे रहे हैं, जो स्केड्यूल दे रहे हैं, जो सिस्टम दे रहे हैं, जो आपको जिस तरीके से आपको लेके चल रहे हैं, आप उसके मुताबिक अपने आप को चलाएं, राइट। और इंशाल्लाह आप देखना कि ऐसे ही रिजल्ट निकलेगा। ये जो सारी की सारी जो टिप्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो जो टॉपग्रेड के सिस्टम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमने जो डेवलप किए हैं, ये टाइम प्रूवन है। ये ओवर वन डेकेड ढेरों स्टूडेंट्स के, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से मैंने डेवलप किए हैं, राइट। तो आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट अस एंड ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट topgrid.pk। ओके।